This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लाइव वायर की इस ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतिखाब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे और अपने घरों और दफातर में महफूज होंगे। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और ऑलमोस्ट डिफरेंट शहरों से डिफरेंट खबरें आ रही हैं। अगर कराची की बात करें तो कराची में कहा जा रहा है कि आने वाले 24 और 48 घंटों में मज़ीद सर्दी पड़ सकती है और आपको बहुत बेहतर पता है जो कराची का क्लाइमेट है और कराची का जो लिंक होता है वो सर्दी का वो कोयटा से होता है। तो कोयटा में भी रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कोयटा में जो है वो इजाफा हो चुका है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। अब देखना ये होगा वो भी मनफी है उसके बाद की क्या सूरत हाल रहती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, सर्दी से बचिए और मौसम को एंजॉय कीजिए और कुछ ऐसी चीज़ें मत खाइए जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। हाउ नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि होने वाली मुल्क के मौसम की। टेम्परेचर तो सर्द हो रहा है लेकिन सियासी और माशी मौसम जो है वो गर्म है, उसमें गर्मा गर्मी है। सबसे पहले आपको पोलिटिकल अपडेट दे दें। इस वक्त जो नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, उनके केसेस अदालत में चल रहे हैं जिसकी वजह से एक अनसर्टेन सिचुएशन बनी हुई है पूरे कॉर्पोरेट में, खुसूसन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल हुआ हुआ है। और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, सर्कुलर डेट भी आपके सामने है। उसके साथ साथ अभी जो फ्रॉड का वाकया हुआ है इसने सबकी आंखें खोल दी हैं। फॉरनर्स पकड़े गए हैं फ्रॉड को लेकर और ATM पे जो स्कीमिंग हुई है उससे हमारे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत किस तरीके से उन फॉरनर्स जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उनकी गवर्नमेंट से और उनके सफारती इदारों से कैसे राबता करके आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपका जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करते हैं। तमाम कन्वेंशन बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक हेड ऑफिस से रिपोर्ट्स आती रहीं गुज़िश्ता 2 साल की, उसमें यह कहा गया था कि डिफरेंट जगहों पर ATM से जो है स्कीमिंग हो रही है और कुछ तो FIA के पास ऑलरेडी रजिस्टर थे ये लोग, लेकिन उसके बाद उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई, खामोशी इख्तियार कर गए। लेकिन जब ये मामला हसास नौयत का और बढ़ चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ से जब ये चीज हुई, ये जो भी वाकया हुआ, तो उसको पकड़ने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए और खामोश हो गए, साइलेंट हो गए, जिसके बाद से उन तमाम तर लोगों को जो ये गलत काम कर रहे थे, फ्रॉड का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाया गया, तो उनको और जो है सपोर्ट मिली। और अब आप देख लें, कहा जा रहा है जो रिपोर्ट के मुताबिक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज भी रिपोर्ट जारी की है, 559 कस्टमर्स जो है वो विक्टिमाइज हुए हैं और टोटल लॉस जो हुआ है वो ₹10.2 मिलियन का हुआ है। चलें जी, ये तो सारी सूरत हाल है, इस पर भी हम आपको पूरा दिन अपडेट कर देंगे और मजीद बता देंगे किस तरीके से मामला आगे जाकर कितने बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त जो है स्टॉक मार्केट का बाकायदा आगाज हो चुका है। स्टॉक मार्केट जो है 15 पॉइंट्स के साथ ओपन हुई है। अब देखना यह है कि आज सारा दिन क्या कंसिस्टेंसी रहती है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से ट्रिगर्स होते हैं जो मार्केट के लिए सपोर्टिव होते हैं या सपोर्टिव नहीं होते, इन्हीं तमाम तरह चीज़ों पर बात करेंगे। अब कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का प्रोसेस क्या है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने एजुकेशन पर बात की थी, आज सुबह सवेरे भी हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एडवांसमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ का रोल और ऐसी डिग्रीज़ का रोल जो पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जिसको वैल्यू किया जाता है। हम CA का बड़ा नाम सुनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा नाम सुनते हैं कि जी अकाउंटेंट जो है अगर ये कर लें, अगर जो भी जिनका अकाउंट्स में जो लोग बहुत अच्छे हैं या जिनको CA करने का शौक होता है वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में इसका बैकग्राउंड क्या है, पाकिस्तान में कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनके लिए काम कर रहे हैं और हमारे पास नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स जो इनरोल होते हैं वो क्या हैं, ये इसी सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में हम समझते हैं कि हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में हमें बेहतर से बेहतर लोग नज़र आए हैं, स्टूडेंट्स नज़र आए हैं, कैंडिडेट नज़र आए हैं, उसके बाद जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो यही लोग जो है दूसरे ममालिक में जाकर सर्विसेज करते हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारों में सर्विसेज करते हैं, पाकिस्तान के पब्लिक प्राइवेट में सब जगह पर लगे हुए होते हैं, जो कि एक बहुत खुश आइंद बात है। इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें सब सवेरे ज्वाइन किया है मिस्टर अब्दुल मालिक साहब।
آپ نے جوائن کیا ہے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اینڈ سیکرٹری ہیں آئی کیپ کے عبد المالک صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سر کیسے ہیں آپ السلام بالکل ٹھیک روہیل آپ کیسے اللہ کا شکر سر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا سی اے جس کو ہم کہتے ہیں دیکھیے تھوڑا سا اس میں مجھے ایک منٹ چاہیے کہ اف یو وانٹ ٹو ہم بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتے ہیں تو اٹ گوز بیک کچھ 150 سال پہلے 130 سال پہلے سمجھ لیں کہ انگلینڈ اینڈ ویلز میں ایک انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا جس کو نام دیا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز یہ پہلی پروفیشنل اکاؤنٹنگ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش ہوئی دنیا میں یہاں سے چارٹرڈ اکاؤنٹ کوالیفیکیشن کی بنیاد رکھی گئی اس کے پہلے جو لوگ یہ حساب کتاب کا کام کرتے تھے اکاؤنٹنگ کا کام کرتے تھے ان کو بک کیپرس کہا جاتا تھا جی یہ اکاؤنٹنگ ایز اے پروفیشن اس وقت تک ریکگنائز نہیں ہوا تھا تو انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس انگلینڈ اینڈ ویلز کے قیام کے بعد یہ ایک پروفیشنل اکاؤنٹنگ باڈی کے بعد اکاؤنٹنگ ایز اے پروفیشن ابھر کے سامنے آیا یہ 1880 میں ہوا اور بہت جلد ہی چونکہ برطانیہ کی ہم کالونی تھے یہ جو برصغیر پاک و ہند کا جو علاقہ ہے تو بہت جلد ہی یہ ڈیولپمنٹ اس علاقے میں اس ریجن میں بھی آ گیا اور جو انگلینڈ کی چارٹرڈ اکاؤنٹ فرم تھی وہ انہوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اپنی آفیسز کھولنا شروع کی تھیں بیکوز برطانیہ کا بہت سارا بزنس انڈو پاک سے ہو رہا تھا ٹریڈنگ بہت ساری ہو رہی تھی ان کی کمپنیز یہاں کھل رہی تھیں تو سے بامبے میں دہلی میں کلکتہ میں پھر بعد میں لاہور میں اس طرح سے آفیسز کھلتے گئے جس فرم سے جیسے میں نے سی اے کیا اے ایف فرگسن اینڈ کمپنی اس کی بھی جو بنیاد یہاں پر رکھی گئی تھی پہلی آفس کھولی گئی تھی تو وہ 20th century کے اوائل میں تقریب 1910-1912 میں تو اتنا پرانا اس کا ہسٹری ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ پروفیشن کی مور دین 130 years کی اس کی ہسٹری ہے یہ تو اس کا ہوا بیک گراؤنڈ اب بیک گراؤنڈ اس حوالے سے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹ کوالیفیکیشن کیا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹ کوالیفیکیشن ایک بہت ہی وائڈ اسکوپ ہے اس کا اس کے اکیڈمک سبجیکٹس کا جو پڑھائے جاتے ہیں اور جن پہ امتحان لیے جاتے ہیں اور جو ان کو ٹریننگ ملتی ہے اور یہ اگین اکاؤنٹنسی کوالیفیکیشن جتنے بھی ہے اس میں ایک واحد کوالیفیکیشن ایسا ہے کہ جس میں ٹریننگ شروع سے ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں جو بہت سارے اور اکاؤنٹنگ کوالیفیکیشن آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پہلے آپ ایگزامینیشن ہو جاتے ہیں اکیڈمکلی آپ پاس کر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹریننگ شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے لیول ہیں جس میں کوئی اسٹوڈنٹ گزرتا ہے اور وہ فائنلی کوالیفائی کرتا ہے اور ہر لیول پہ ایک اسٹوڈنٹ کو اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اسیس کرتا رہتا ہے کہ اس کی قابلیت اس کی صلاحیتیں اس کو کہاں تک لے جا سکتی ہیں کہ فائنلی سی اے کر لے سب سے پہلا لیول جو ہم آفر کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اور یہ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سمجھنا اور پیرنٹس کے لیے بھی سمجھنا کہ سب سے پہلا جو ہم ان کو آفر کرتے ہیں وہ ایک 4 papers ہوتے ہیں جس کی ہم تیاری کراتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں اسیسمنٹ آف فنڈامنٹل کمپٹنسیز اے ایف سی کہتے ہیں ٹھیک ان 4 papers کی تیاری کے بعد وہ ایگزام دیتا ہے اسٹوڈنٹس اس وقت اسٹوڈنٹ کے پاس ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ کیا میں میرے پاس اس کو کرنے کے لیے ایپٹیٹیوڈ ہے اسکلز ہیں کمپٹنس ہیں اور میں آگے بڑھوں تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پیرنٹس کے لیے بھی ایک پڑاؤ ہوتا ہے سمجھ لیجیے کہ جہاں پر دے ہیو ٹو ٹیک فردر ڈیسیشنز ٹو موو فارورڈ پھر اس کے 2-3 levels اور ہیں تیسرا لیول آخری لیول ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا 2 بڑے exams ہوتے ہیں فائنل کے وہ دیتا ہے پھر وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتا ہے پھر ایگزام پاس کرنے کے بعد وہ انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرتے ہیں ممبرشپ کے لیے اور ممبرشپ ملنے کے بعد پھر ایسوسیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں کتنا ایئر کا ڈیوریشن ہے سارے یہ تقریباً 5-5.5 years لگتے ہیں شروع سے جب انٹرمیڈیٹ سے کوئی اسٹوڈنٹ کرنے کے بعد یا اے لیولس کرنے کے بعد جب ہمارے فولڈ میں آتے ہیں ہمارے پاس دونوں جگہ سے لوگ آتے ہیں اے لیول سے انفیکٹ آج کل تو زیادہ سے زیادہ بچے آ رہے ہیں پہلے ایک اور بات کلیئر کیجیے گا یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یا ڈگری پراپر ہوتی ہے اس کی پوزیشننگ کیا ہے دیکھیں ڈگری تو جو یونیورسٹیز سے ملتی ہیں آپ کو وہ ڈگریز ہوتی ہیں نا جن کو ہم ڈگری اوارڈنگ یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوٹس کہتے ہیں اس کو ڈگری نہیں کہتے ہیں اس کو پروفیشنل سرٹیفکیشن ٹھیک ہے بٹ آبویسلی اس کے بہت اے سی سی اے کا بھی ہم نے بڑا ایک دور دیکھا لیکن اب اتنے نمبرس ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہم سی اے پہ زیادہ بات کریں گے ایچ ای سی سے اس کی کوئی ایسوسیشن ہے
HEC से हमारी एसोसिएशन इस तरह से है कि जो मेंबर CA कर लेता है, चार्टर्ड अकाउंट बन जाता है, उसके बाद एज ऑफ नाउ जो हम आज जहाँ खड़े हैं वहाँ पर HEC हमारे उस क्वालिफिकेशन को MCOM के बराबर का इक्विवेलेंस देता है. ठीक है, मतलब जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया आप HEC में अप्लाई करते मास्टर्स इन कॉमर्स का, मास्टर्स इन या कोई भी मास्टर्स हो, सिर्फ कॉमर्स का, मास्टर्स इन कॉमर्स के वक्त हम हैं अभी, लेकिन हमारी बातचीत HEC से चल रही है. और HEC ने एक्चुअली अपना मास्टर्स, जिसको वो मास्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स में कहते हैं, उसके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा दिए है. अच्छा. so, जहाँ पहले हम 16 साल में मास्टर्स कर लिया करते थे, अब उन्होंने इसको 18 साल कर दिया. MBA की ड्यूरेशन भी बढ़ा दिए गए हैं. अब हम बात करने लगे हैं HEC से, इनफैक्ट वी आर इन क्वाइट एन एडवांस स्टेज, कि हमारा जो क्वालिफिकेशन होता है, जो बच्चा 5.5 साल इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है, उसके क्रेडिट आवर्स अगर सारे इकट्ठे किए जाएं तो वो 18 साल के एजुकेशन के क्रेडिट आवर्स के बराबर बनते हैं. लेकिन ऑब्वियसली इतना आसानी से HEC विल नॉट एक्सेप्ट. वी आर गिविंग देम एविडेंस, हम बता रहे हैं आपकी उनसे नेगोशिएट चल रही है, आप मुज़ाकरात उनसे कर रहे हैं. ठीक है, अच्छी बात है सर. किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे ICAP की एजुकेशन सिस्टम को और ग्लोबल जो सिस्टम है जहाँ पर CA करवाया जा रहा है, वो क्या एक ही सिमिलर है, एक ही लेवल है, या कितना डिफरेंट है? हाउ डू यू कंपेयर इट सर? देखिए, ग्लोबली जैसे मैंने कहा कि CA का क्वालिफिकेशन वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ जहाँ पर जो बर्तानिया की कॉलोनीज थी. ठीक. फॉर इंस्टेंस UK में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं. अब हमारा पाकिस्तान का जो क्वालिफिकेशन है, एक तो ये बात याद रखें कि न सिर्फ आज से आप 40 साल पहले भी जाएंगे तो पाकिस्तान का चार्टर्ड अकाउंट जो है वो दुनिया के किसी भी चार्टर्ड अकाउंट से कंपेरेबल था. ठीक. उस वक्त भी था और आज भी है. और हमने ओवर द लास्ट जो कि 4-5 decades में मुसलसल हम कोशिश करते रहते हैं कि जो हमारा करिकुलम हो, जो हमारा सिलेबस हो, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से साथ चलता रहे. सही बात है. और हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम भी है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब चलता रहे. एक इदारा है दुनिया में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC. यस, IFAC. 130 जो बॉडीज हैं, अकाउंटिंग बॉडीज, वो उसके मेम्बर्स हैं. वो एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन प्रिस्क्राइब करते कि ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए. और अल्हम्दुलिल्लाह ICAP जो है उसके काफ़ी सारे मराहल से आगे गुजर चुका है और हमने वही स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए हैं हमारे करिकुलम में भी और हमारे एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड्स में भी. उसके एविडेंस आप देखें, मैंने आपको बताया कि जो 40 कंट्रीज में चार्टर्ड अकाउंट्स काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंट, और ये कोई छोटी मोटी पोजिशन पर नहीं काम कर रहे हैं, बहुत सारे मिडल ईस्ट में तो स्पेशली आप देखेंगे, इनफैक्ट इन UK एज वेल, वो CFOs हैं, कई CEOs हैं. मैं अपने लोगों को जानता हूँ, मेरे बैच के एक स्टूडेंट था जो चार्टर्ड अकाउंट फॉर्मेशन से किया था, वो अमेरिका में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी का CEO है. इतनी अच्छी बात लगती है सर, हमारे यहाँ के लोग, हम ग्लोबल जगह, पाकिस्तान में तो लग जाते हैं लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हो गई या बाहर के इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ पर अच्छी पोजिशन पर काम करते हैं, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा प्राउड होता है. ठीक है सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कहा जाता है कि CA जो एग्जामिनेशन है बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है और इसको पास करना, इसको मैनेज करना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटेंशनल कंट्रोल और आउटपुट ऑफ इंस्टीट्यूट है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़रा इसको बताइएगा कि क्या प्रोसेस होता है, स्टूडेंट क्यों थोड़ा सा घबराता है और करने से पहले भी और करने के बाद भी वो एक स्ट्रेस और टेंशन में रहता है. देखिए, ये परसेप्शन ज़रूर है जो आप कह रहे हैं, आम फहम में किसी भी से आप बात करेंगे वो एग्जैक्टली यही बात करता है. लेकिन मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये होगी कि हर स्टूडेंट जो CA करना चाहे वो सबसे पहले आकर इंस्टीट्यूट में आकर इंफॉर्मेशन ले, वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले कि ये प्रोसेस चलना कैसे है, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस किस लेवल पर क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. जैसे मैंने आपसे कहा कि हम फर्स्ट लेवल पर स्टूडेंट को 4 papers के एग्ज़ाम लेते हैं. ये 4 papers अकाउंटिंग और फाइनेंस के नहीं होते हैं. ठीक. ये होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में, ITCAP और इस तरह से एक और. उसमें आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं वो, उसमें हम पहले उनको एक सिलेबस देते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर उसको एग्जामिन कर. हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ना, ये 4-5 subjects जो है आखिर तक स्टूडेंट्स को ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको CS को पास कर लेना है. तो हम तैयार करते हैं पहले स्टूडेंट को, फिर उनको असेस करते हैं कि ये इस 4 papers में कहाँ खड़े हैं,
इन टर्म्स ऑफ, और स्टूडेंट को भी चाहिए कि अपने आप को असेस करे, और जो हमारे ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं वो भी स्टूडेंट को हेल्प करते हैं इसमें टू असेस देमसेल्फ कि वो आगे सीए करने में उनको क्या मुश्किलात आ सकती हैं, किन किन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, और उसके बाद उनको एडवाइस करते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जिस पे जब आप सीए कर लेते हैं बहुत भारी जिम्मेदारियाँ आती हैं। आप ऑडिट करते हैं बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ऑडिट करते हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर है जिसने इन्वेस्ट किया है पैसा वो आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, exactly. उसकी बेसिस पे इन्वेस्ट करता है और उसकी रिपोर्ट शाया होती है, फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जाती है, लोग उस आपकी ही ऑडिट की भी रिपोर्ट पर जो है लोग अजम्पशंस करते हैं, परसेप्शन करते हैं, उसी को देख के जो है नतीजे के साथ आगे डिसीजन लिए जाते हैं। नॉट ओनली दिस, इसके बाद जब आपको इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर्स करने होते हैं तो वही ऑडिट रिपोर्ट जो है आपके जॉइंट वेंचर पार्टनर्स के पास जाती है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। तो इतना भारी जिम्मेदारी का काम है, और नॉट ओनली जिम्मेदारी के अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ अकाउंटिंग का रोल नहीं होता है। सही बात है, जो हम हमारे सिलेबस होते हैं, हमारी ट्रेनिंग होते हैं, ये अकाउंटिंग के अलावा लॉ, टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, आईटी, ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। सो दैट जब एक स्टूडेंट ऑडिट कर रहा होता है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद जब वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है, तो उसको ये सारे एस्पेक्ट्स मालूम होने चाहिए जब वो ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करता है, तभी जाकर के किसी का ट्रस्ट उन रिपोर्ट्स पर आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ये जो करिकुलम हो और एग्ज़ामिनेशन हो वो इतना होना चाहिए कि स्टूडेंट को तैयार कर सके। हैविंग सेड सो, एक चीज़ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, लोगों को पास होते देखा है, लोगों को फेल होते देखा है, एक चीज़ चाहिए जो आपका डिटर्मिनेशन, कि वंस यू हैव एंटर्ड दिस प्रोफेशन डिटर्मिनेशन होना है, आपको पास करना है, और उसके लिए ज़रूरी है डेली बेसिस पर रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे। मालिक साहब आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने आधा किया आधा छोड़ दिया यार, कंटिन्यू नहीं कर सके, हो नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, दीगर हमारी एक्टिविटीज़ भी हैं, हम वर्क भी करते हैं, इस पे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा वो बैक हो जाता है और भी बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। तो दूसरा मुझे बता दीजिए कि स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से वो चैलेंजेस से निपटे, ये भी एक चैलेंज है उनके लिए, और कुछ स्टूडेंट्स जो है इसको इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो सख्त हालात सख्त दबाव के बावजूद कंप्लीट करते हैं। आपको पता है कुछ पर्सनैलिटीज़ में इगोस्टिक शुरू से ही होते हैं, बस करना है तो करना है, जब स्टार्ट ले लिया तो इसको फिनिश करना है, फेल नहीं होना, फेलियर अटैम्प्ट नहीं करना, आधा नहीं छोड़ना, कुछ स्टूडेंट्स की साइकी ये भी होती है और कुछ जो है वो हार मान जाते हैं, आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे सर? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट को, और देखें बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन में आते हैं बच्चे, जो पास्ट में भी आज से 30 साल पहले जब मैंने लिया, मैंने सीए करना शुरू किया, एक बहुत ही मॉडस्ट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, ए लेवल्स का तो आपको पता ही है वो सारा बैकग्राउंड कौन सा होगा। हाँ दैट्स राइट, ये बहुत ही मॉडस्ट फैमिली बैकग्राउंड से, आज भी हमारे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अगर आप कराची लेंगे तो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान चौर, नॉर्थ नाजमाबाद, कभी भी एरिया, न्यू कराची, वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये उनके लिए लाइफ चेंजर है, और ये फैक्ट है, ये कोई एक कोई क्लिशे नहीं है, ये फैक्ट है कि एक बच्चा जो उस मॉडस्ट छोटे से फैमिली बैकग्राउंड से आता है, जब वो सीए कर लेता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसकी फैमिली की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तो जब उसको ये तय करना है कि उसको कितनी मेहनत करनी है, तो उसको ये जहन में रखना होगा सबसे पहली चीज़ कि ये उसके लिए नहीं, उसकी पूरी फैमिली के, इट्स अ गेम चेंजर। एक वहाँ से उसको डिटर्मिनेशन मिलता है टू वर्क हार्ड। फॉर इंस्टेंस जब मैं 5 साल जब ये सीए की पढ़ाई कर रहा था, सुबह से लेकर शाम तक वो ऑडिट पर जाता था, ट्रेनिंग करता था, मैं यकीन जी कि मैं अंग्रेज़ इंडियन फिल्मों का बड़ा शौकीन था, VCR का ज़माना था उस वक्त, वो 5 साल मुझे लगता है मेरे जिंदगी कंप्लीट ब्लैकआउट थे, मैंने शायद कोई इक्की दुखी ही कोई इंडियन फिल्म देखी हो। वीकेंड्स पे भी नहीं, आपको वीकेंड पे भी नहीं मिलता था टाइम, क्योंकि अक्सर तो आपको ऑडिट पे ओवर टाइम पे जाना पड़ता था, और जो टाइम मिलता था आपको बस वो पढ़ाई के लिए मिलता था। तो अगर इतना डिटर्मिनेशन पैदा करना मस्ट है आपको, उसके बाद और हार्ड वर्क करें, कोई वजह नहीं कि आप पास नहीं करेंगे। पैशनेट होना बहुत जरूरी है कोई भी आप काम करें। अगर आप अपने पे ये चीज तारी करेंगे, हम कॉर्पोरेट में बैठे हुए हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, तो अमूमन होता ये कि अब जो जनरेशन है
वो अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी है और वर्क प्लेस पर हैं, बस वीकेंड इन्जॉय करना है, फैमिली के साथ निकलना है, ये करना है, वो करना है, तो जब तक आप काम के साथ पैशनेट नहीं होंगे ना, तो आप इन्जॉय नहीं कर सकेंगे और आपकी लर्निंग नहीं बढ़ेगी. वेरी ट्रू, एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपको. 4-5 साल जो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें भूल जाना है अपना थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को. उसके बाद बहुत मौके आएंगे, आप एंजॉय करेंगे. देखिए, दफा पर्सनल लाइफ को तो आप ना बोले, सोशल लाइफ को थोड़ा सा आप कम कर दें, आप प्रायोरिटीज को मतलब सेट कीजिए. हाँ, सोशल लाइफ. हम तो सर जब हम पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ते हैं 10 चीजें, तो हम तो कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते थे खुशी खुशी की, आज सुबह जो है फला कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ इंटरेक्शन रहेगा. और कुछ लोग जबरन कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे कि मजबूरी है कि टीचर ने पॉइंट्स एलोकेट किए. जो टीचर्स ने पॉइंट एलोकेट किए करके अटेंड करते थे, उनको कुछ समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है. और जो शौक से करते थे कि जी पीआर बनेगी, इंटरेक्शन होगा, 10 चीजें सुनने को मिलेंगी, लैपटॉप लेके खोले हुए होते थे और माइक्रोसॉफ्ट पर चीजें नोट करते थे, ये सारी वो चीजें जो आपकी पर्सनालिटी में एक बिल्डअप कंपोनेंट के तौर पर रोल अदा करती हैं. मलिक साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है. Okay. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो थोड़ी बहुत इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, फिर इसी कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करेंगे कि होगा क्या सीए का और हमारे पाकिस्तान में मजीद जो है इसका क्या रोल हो सकता है. लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. स्टे विद अस.